बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेंगे ऑन द स्क्रीन। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, ये इसमें हम सबसे पहले वन प्रिंट करेंगे, उससे अगली लाइन पे वन टू, फिर वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। यूजिंग सी आउट की स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इस प्रोग्राम में, हम यूज़ करेंगे इसको लूप के थ्रू प्रिंट करने के लिए। मतलब सी आउट से मेरी मुराद ये है कि ऑब्वियस बात है स्क्रीन पे सी आउट ही प्रिंट करेगा, मतलब मैं सी आउट में डबल कोटेशंस के अंदर ये स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, यानी सी आउट डबल कोटेशंस वन फिर स्लैश एन बैक स्लैश एन फिर वन टू फिर बैक स्लैश एन फिर वन टू थ्री, इस तरीके से नहीं लिखूंगा मैं, इसको लूप के थ्रू सॉल्व करूंगा। तो हम इसका ज़रा अगर स्केच ड्रॉ कर लें, तो मेरे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो वन वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्रिंट कर सके। तो हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो वन टू, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स को प्रिंट कर सकती है। चलें तो हम इसको वीडियो स्टूडियो में देखते हैं किस तरीके से प्रोग्राम हमारा सॉल्व होगा। जी, तो हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स को प्रिंट करेंगे। तो सिंपल, हमें हमारे पास एक, अगर मैं कहूँ मेरे पास एक लूप है जो कि स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, वन से स्टार्ट हो रहा है, और वो आपका जो लूप है वो लेस देन इक्वल्स टू सिक्स टाइम्स चलेगा, और हर दफ़ा वो क्या करेगा, एक का एडिशन कर रहा होगा। सी आउट, और मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ आई को, और यहाँ मैं एक स्पेस दे रहा हूँ ताकि मुझे नंबर्स नज़र आ रहे हों। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो स्क्रीन पे मेरे आउटपुट जो नज़र आएगी वो आएगी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सी आउट एंड एल। चलें हम इसको देखते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो स्टूडेंट, हमारी आउटपुट डिज़ायर्ड आउटपुट ये नहीं थी, हमने क्या चाहा था कि हमें क्या चीज़ आउटपुट में नज़र आनी चाहिए थी, कुछ यूं स्टेटमेंट नज़र आनी चाहिए थी हमें हमारे पास आउटपुट में। और वो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले वन फिर वन टू फिर वन टू थ्री। अब अगर आपने देखा हो तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स, वन से। तो क्यों ना मैं एक ऐसा लूप अप्लाई करूँ जो इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, यानी अगर आई की वैल्यू वन है तो वो वन टाइम चले, अगर आई की वैल्यू टू है तो वो टू टाइम्स चले, आई की वैल्यू थ्री है तो वो थ्री टाइम्स चले, आई की वैल्यू फोर है तो वो फोर टाइम्स चले। यानी मैं एक और लूप अप्लाई कर दूं जो कि डिपेंड कर रहा हो किसकी वैल्यू के ऊपर, इस आईथ वैल्यू के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूं फॉर इंट, एक और लूप मैंने कहा जे इक्वल्स टू वन, यानी स्टार्ट कहां से होगा, वन से, पर उसने स्टॉप कब होना है, जे इक्वल्स इज लेस देन इक्वल्स टू आई, जब आई एफ तक वो मैच कर जाएगा। और जे को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस, और यहां मैं लिखता हूँ सी आउट जे स्पेस और सी आउट एंडल, और इस स्टेटमेंट को मैं यहां से खत्म करता हूँ। अब जरा इस चीज को आप देखिएगा कि आउटपुट में हमारे पास नजर क्या आने वाला है। देखें स्टूडेंट्स, आई की वैल्यू क्या होगी, वन। अब जब आई की वैल्यू वन हो गई तो आपके पास कंडीशनल पार्ट चेक हुआ, आई इज लेस देन इक्वल टू सिक्स ट्रू हुआ, तो बॉडी में एंटर हो गया। जब ये बॉडी में एंटर हुआ तो जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, जे पहला पोर्शन तो यही है, तो जे की वैल्यू आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जे की वैल्यू वन से। जब आई की वैल्यू वन है तो जे की वैल्यू वन, और जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, मतलब जे कब तक चलेगा, जितनी वैल्यू आई की वैल्यू क्या है, वन। वन इज लेस देन इक्वल्स टू वन, ट्रू, बॉडी में एंटर होगा और क्या प्रिंट करेगा, सी आउट जे। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ जे, जे की वैल्यू आपके पास है वन, तो स्क्रीन पे आपको क्या नजर आएगा, वन। इसी तरीके से अब वन जे की वैल्यू में क्या होगा, इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू हो गई टू, टू इज लेस देन इक्वल्स टू वन, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इस इनर लूप से बाहर आएगा और सी आउट एंडल क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। अब ये यहां से इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जाएगा जहां पे ये इंक्रीमेंट परफॉर्म करेगा, यानी ये कहाँ पे मूव करेगा, यहाँ से इस पर्टिकुलर इंक्रीमेंट के पोर्शन के ऊपर। आई प्लस प्लस, स्टूडेंट्स आई प्लस, आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू तो वन थी, तो वन में प्लस करो तो वन प्लस वन, आंसर क्या आ गया, टू। अब फिर चेक होगा टू इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, इट्स ट्रू, फिर बॉडी में आएगा और दोबारा से जे एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, वन। जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, आई का क्या मतलब है, जे इज लेस देन इक्वल्स टू, अब आई की वैल्यू क्या थी, टू थी, तो जे इज लेस देन इक्वल्स टू टू, वन इज लेस देन इक्वल्स टू टू, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, वन प्रिंट हुआ, यहाँ पे वन प्रिंट हुआ, स्पेस आ गई,
फिर यहाँ से मूव किया इस पर्टिकुलर पोर्शन पे। अब जे की वैल्यू में जब इंक्रीमेंट करेगा स्टूडेंट्स, जे की वैल्यू पहले क्या थी, मैं एक ब्लॉक बना रहा हूँ, वन थी, वन के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई, टू, टू इज लेस देन इक्वल्स टू टू, कंडीशन ट्रू, फिर बॉडी में एंटर आएगा, क्या प्रिंट करेगा, टू, फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो गई, प्लस टू से थ्री, थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू टू, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो इस लूप से क्या करेगा, बाहर आएगा और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास फिर मूव करेगा इंक्रीमेंट के पोर्शन के अंदर, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस क्या करेगा, टू, टू प्लस प्लस हुआ, आंसर क्या आ गया, थ्री। फिर ये स्टेटमेंट चलेगी उसी तरीके से, जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, जे की वैल्यू फिर स्टार्ट होगी वन से, जो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, वन से, वन इज लेस देन इक्वल्स टू टू, वन इज लेस, अब टू नहीं होगा, वन इज लेस देन इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू क्या है, थ्री। तो अब हम ये जहाँ हमारे पास टू था उस पर्टिकुलर जगह पे हमारे पास क्या आ रहा होगा, थ्री आ रहा होगा, वो जे इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री, तो अब वन इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री, ट्रू, तो क्या प्रिंट करेगा, वन, पहले क्या प्रिंट किया, वन, फिर वन टू, अब फिर जे को इंक्रीमेंट करेगा, यानी इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद जे में क्या आएगा, इंक्रीमेंट, जे में इंक्रीमेंट हुआ, वन से जे किस तरफ मूव कर गया, टू, टू की तरफ मूव कर गया, ये जे था मेरे पास, टू इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री, इट्स ट्रू, जब फिर ट्रू होगा तो आपके पास फिर बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, जे को प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू क्या थी, टू थी, एक स्पेस आ जाएगा, फिर इस इंक्रीमेंट के पोर्शन में जाएगा, टू में क्या होगा, एक इंक्रीमेंट करेगा, थ्री हो गई, थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री, इट्स ट्रू, ये बात भी आपके पास क्या आ गई, ट्रू आ गई स्टूडेंट्स। फिर बॉडी में एंटर होगा, सी आउट, जे प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू क्या थी, थ्री, अब क्या होगा, जे इंक्रीमेंट करेगा, फोर, फोर इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री, इट्स फॉल्स, लूप से बायर, एंडल की स्टेटमेंट क्या करेगी, अगली लाइन पे मूव करेगी, और फिर ये स्टेटमेंट आप में आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू थ्री से क्या हो जाएगी, फोर, फिर ये रिपीट होगा, फिर फाइव हो जाएगी, फिर सिक्स होगी, और जब आई की वैल्यू सेवन होगी तो ये स्टेटमेंट आपके पास खत्म हो जाएगी, यानी ये आउटर जो लूप है ये आपके पास खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को स्क्रीन पे व्यू करूं तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट जनरेट होगी। जी तो स्टूडेंट्स, आप देखें स्क्रीन पे, अब आपको क्या नजर आ रहा है, वन, वन टू, वन टू थ्री फोर एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस चीज को चेंज करना चाहूं और मैं कहूं कि ये जो स्टेटमेंट है ऐसे ना प्रिंट हो, इसका रिजल्ट इस तरीके से आना स्टार्ट हो जाए, सिक्स, सिक्स फाइव, सिक्स फाइव फोर, सिक्स फाइव फोर थ्री, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है मुझे इस लूप को चेंज करना पड़ेगा। तो हम इस लूप को देखते हैं कि लूप, आउटर लूप आपका कितने टाइम्स चलेगा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स टाइम्स, यानी आउटर लूप में मेरे पास सिक्स टाइम आइट्रेट होना ही होना है। तो अगर मैं सिक्स टाइम आइट्रेशन की बात करूं इस आउटर लूप की, तो अगर इसको मैं यहां से स्टार्ट करूं, आई इक्वल्स टू सिक्स, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, आई माइनस माइनस सिक्स टाइम्स, तो ये भी आइट्रेट होगा, सिक्स टाइम्स ये भी आइट्रेट होगा। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखूं तो पहली सी आउट की स्टेटमेंट मुझे क्या नजर आ रही है, सिक्स। अभी डिपेंडेंट हम इसी आई आईथ वैल्यू के ऊपर ही हैं, पर मैं स्टार्ट क्या करूंगा, आई इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स इज, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, या मैं इसको कहता हूँ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, यानी ये आपके पास जो वैल्यू होगी ये ग्रेटर देन इक्वल्स होगी और ये क्या करेगी, हर दफा डिक्रीमेंट करेगी। अब अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो सिक्स फाइव फोर थ्री टू, यानी ये आपकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से रिपीट होना स्टार्ट होगी। एक आइट्रेशन हम देखते हैं, दो आइट्रेशन देखते हैं, आई की वैल्यू क्या है, सिक्स है, जब आई की वैल्यू सिक्स है तो जे की वैल्यू भी क्या होगी स्टूडेंट्स, सिक्स लूप के अंदर एंटर हो गया था, यानी सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स दिस, ट्रू, तो लूप में एंटर हुआ, जे क्या हुआ, सिक्स, सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन तो नहीं है, बराबर है तो क्या प्रिंट करेगा, सिक्स प्रिंट करेगा, और जे माइनस होगा तो जे की वैल्यू होगी फाइव, तो फाइव इज लेस देन इक्वल्स टू दिस, लूप से एंड होगा, अगली लाइन प्रिंट करेगा और आपके पास डायरेक्टली डिक्रीमेंट के पोर्शन में जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो गई, फाइव हो गई, फिर जे कहाँ से फिर स्टार्ट होगा, सिक्स से, अब कहाँ तक चलेगा, टू टाइम्स, सिक्स और फाइव दो वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो अगर मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँ, स्क्रीन पे व्यू करूँ, तो देखते हैं उसकी आउटपुट कैसे जनरेट होती है। जी तो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नजर आ रही होगी। आने वाले कुछ लेक्चर में हम मजीद इन्हीं लूप्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी।